कृषि कानून को लेकर किसानों का चक्का जाम है। आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान कर रखा है। चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। टेकरी और सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया और कहा है कि दिल्ली यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। तो 6 फरवरी यानी कि आज शनिवार को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया। कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम करने की बात कही। तो आज चक्का जाम का ऐलान कर रखा है। चक्का जाम करेंगे किसान। चक्का जाम कब से कब तक होगा ये हम आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन को कोऑर्डिनेट कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार चक्का जाम केवल 3 घंटे का होगा। आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। इस प्रदर्शन में केवल हाईवे पर सड़क जाम किया जाएगा और शहरों, कस्बों और गांवों के अंदर भी सड़कों को बाधित नहीं किया जाएगा। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में पहले से पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस की किलाबंदी है, जबकि यूपी और उत्तराखंड में हिंसा की आशंका को देखते किसान संगठनों ने चक्का जाम नहीं करने का फैसला लिया है। वहीं किसान संगठनों का दावा है कि चक्का जाम का असर देश भर में देखा जाएगा और इसे देखते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सोनू खान मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोनू खान, क्योंकि आज किसानों का 3 घंटे का ये चक्का जाम है, 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा, किस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जो आज 73वां दिन आज है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए किसानों की तरफ से जो पहले भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसके बाद जो टोल प्लाजा है उनको फ्री किया गया था, और उसके बाद अब यानी किसानों की तरफ से 6 फरवरी को जो है चक्का जाम का आह्वान किया गया था। उसके बाद जब चक्का जाम का जोरों शोरों से इसकी तैयारी शुरू की, लगातार उसके लिए पंचायत की, इसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है राजेश सिंह, उनकी तरफ से बयान आया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो चक्का जाम है वो नहीं किया जाएगा। जो उत्तराखंड के और जो उत्तराखंड के जो यूपी के जो किसान है वो अपने खेतों के अंदर रहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 घंटे। लेकिन सोनू खान, ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में इसलिए चक्का जाम नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह आशंका जताई जा रही है कि स्थिति खराब हो सकती है, हुड़दंगी हुड़दंग मचा सकते हैं, जैसे कि 26 जनवरी को देखा गया था। देखिए बिल्कुल, आपको बताऊँ, जो किसान नेता है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यूपी के और उत्तराखंड के जो किसान है उनकी जो एनर्जी है हमें उसको वेस्ट नहीं कराना है, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 घंटे के अंदर लाखों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। तो ये साफ तौर से जो किसान है उनका ये संकेत देते हुए जो किसान नेता है वो नजर आए हैं कि उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि अभी जो किसानों का आंदोलन है वो दिल्ली और जो आसपास के जो किसान है, जो यूपी के किसान है, जो उत्तराखंड के किसान है, वही गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं और अधिकतर जिन किसानों को यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर होंगे लेकिन लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो किसान नेता है राकेश सिंह, उनकी तरफ से कल गाजीपुर बॉर्डर पर एक भारी एक मट्टी डाली गई थी। मट्टी पर किसानों का कहना था कि हम यहाँ पर फूल लगाएंगे, जो दिल्ली पुलिस है वो हमारे लिए फूल लगाई है और हम उनके लिए यहाँ पर फूल लगाएंगे। तो वहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर अलग अलग गाँवों से मट्टी लेकर आई गई, ट्रक्टर में मट्टी लेकर आई गई और मट्टी को जो है ना चिनाई ने उसके नीचे डाला गया और नीचे डालकर उसको फूल लगाए गए। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है वो अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार ये कार्य कर रहे हैं। जी सोनू, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही किलाबंदी कर रखी है, इसके अलावा किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं कि 26 जनवरी जैसे जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, जिस तरह का हुड़दंग देखा गया था, ऐसी स्थिति ना बने, तो उसके लिए कैसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, क्या नई रणनीति बनाई गई है? देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जब से दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अपनी सतर्कता बरतते हुए नजर आ रही थी। दिल्ली की पुलिस की अगर बात करें तो जो गाजीपुर बॉर्डर है या सिंधु बॉर्डर है, कहीं से अगर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, भारी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। 12 लेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ लगाई गई थी, सीआरपीएफ यहाँ लगाई गई थी। और आपको बता दूं कि गाजियाबाद से अगर कोई यूपी से अगर दिल्ली के अंदर जाना चाहेगा तो पूरी तरीके से बंद कर दिया था, यानी कि
कोई भी आदमी अगर पैदल भी दिल्ली के अंदर जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता। तो दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा अपने सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर रही है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जो हिंसा थी उसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर। दूसरी बात आपको बता दूं, क्योंकि अलग अलग जो पार्टी के दल भी है वो भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे, तो उसको देखते हुए भी जो जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे थे कि कोई किसी तरीके का जो दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा हुई ऐसी घटना फिर दोबारा दिल्ली के अंदर ना हो जाए कि किसान हिस्सा भी इकट्ठा होकर दिल्ली के अंदर चलाए और चक्कर जाम कर दें या किसी भी तरीके का कोई उद्रम दिल्ली के अंदर हो जाए। तो उसको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है लगातार अलर्ट मोड पर है, वो भारी बैरिकेडिंग की बात करें या दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लोकली टीम है वो लगाई गई थी, तमाम जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी सतर्कता बरतते हुए नजर आ रही है। आपको एक और बात बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से खुफिया एजेंसियां यहाँ जो आंदोलन है इसमें लगाए गए, सिविल वर्दी के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर लगाए, LIU यहाँ पर लगी है कि किसी तरीके की जो किसानों के अंदर की जो चीजें है वो दिल्ली पुलिस तक पहुँच पाए। सोनू, जिस तरह से किसानों का किसान नेताओं का ये कहना है कि हाईवे को जाम किया जाएगा तो ये मान के चले आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा, आमजन को काफी परेशानियों का इन 3 घंटों में सामना करना पड़ेगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं जो गाजीपुर बॉर्डर है ये गाजे मार्ग से होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है, दिल्ली अक्षरधाम अलग अलग रूट हरियाणा अलग अलग रूटों की तरफ ये गाजीपुर बॉर्डर होते हुए जाता है, लेकिन 73 दिन इसको पूरी तरीके से बंद हुए हैं। तो पहले ही जो लोग हैं जो दिल्ली NCR में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जो आनंद विहार वाला रूट है उसको भी पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया। तो ऐसे में जो आम लोग हैं जो आम जनता है उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके जो इस गाजियाबाद की अगर आपको बात बताऊं तो गाजियाबाद से लाखों की संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज डेली गाजियाबाद से दिल्ली नौकरी करने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर दिल्ली NCR में अगर चक्का जाम किया जाता तो एक स्थिति जो सोनू, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि एक तरफ तो ये प्रदर्शन चल रहा है और ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सदन में साफ कर दिया है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं लेकिन इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, उन्होंने दो टूक ये कहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी विपक्ष भ्रमित कर रहे हैं जिस वजह से किसान सड़कों पर है प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का साफ तौर पर ये पहले से ही ये कहना है कि लगातार आपको बता दूं 11 दौर की लगातार वार्ताएं हुई थी, लगातार बैठकें हुई थी, इसमें अलग अलग किसानों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें भी किसानों ने साफ ये कहा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसी चीज को लेकर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि अक्टूबर तक भी किसान यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है, किसान अपने घर से खाने का पीने का राशन साथ लेके चला है, अगर सरकार नहीं कानूनों को वापस लेगी तो किसान अपने घर जाने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, अलग अलग पार्टी के दल इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बात करने अलग अलग नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दूं जिससे जो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके बाद से 2 दिन जो किसानों की तादाद थी गाजीपुर बॉर्डर पर कम हुई थी, लेकिन उसके बाद जो राकेश शिकायत है उनके तरफ से जब आह्वान किया गया कि आंदोलन जारी रहेगा उसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश शिकायत उनकी तरफ से लगातार पंचायतें की, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात करें चाहे वो मथुरा की बात करें, अलग अलग जिलों में पंचायतें की गई और उस पंचायतों में ये निर्णय लिया गया कि भारी भारी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसान आंदोलन को मजबूत करें। तो उसी की जो रणनीति है वो लगातार बनाई जा रही है, लगातार जो किसानों ने खामियों में बांटा गया 15 किसान यहाँ दिन में आएंगे और 15 किसान यहाँ रात में आएंगे, अलग अलग तरीके से किसानों की यहाँ ड्यूटी बांध दिया। बिल्कुल, और ये जो रणनीतियां बन रही है सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाले। सोनू, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।